वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के एक युवा प्रतिभाशाली बॉलर रसिक सलाम के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रसिक सलाम के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 5 अप्रैल 2001 को कुलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 21 वर्ष के हैं। यदि बात करें रसिक सलाम के क्रिकेटिंग करियर के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लिस्ट ए करियर की शुरुआत की। फिर इन्होंने 30 सितंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया और फिर इन्होंने 22 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के लिए डेब्यू किया। लेकिन दोस्तों, इनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने वर्ष 2020 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें खरीद लिया, जब यह महज 17 वर्ष के थे। रसिक सलाम ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले में आईपीएल डेब्यू किया था, जब यह महज 17 वर्ष के थे। और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले यह मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं। इन्होंने अपने पहले ही मैच में 42 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। दोस्तों, आपको बता दें कि रसिक सलाम जम्मू कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी ने खरीदा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रसिक सलाम शुरू में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए अंडर 19 सिलेक्शन के समय इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करते रहे और अपनी मेहनत के दम पर ही आईपीएल 2022 में यह कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रसिक ने शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रैक्टिस मैच में हैट्रिक विकेट लिए थे। इसी हैट्रिक विकेट के चलते इनका सिलेक्शन आंध्र प्रदेश के खिलाफ हुए मैच में हो गया। रसिक की अच्छी गेंदबाजी के चलते भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने इन्हें देखा और इन्हें बुलाया और इन्हें काफ़ी मोटिवेट किया। दोस्तों, यदि बात करें रसिक सलाम के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 173 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 8 इंच, वहीं इनका वजन है करीब 60 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, यदि बात करें इनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो रसिक के पिता एक टीचर हैं। और यदि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि यह अभी अनमैरिड हैं और फिलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि बात करें रसिक सलाम के वर्ष 2022 के आईपीएल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्हें केकेआर की टीम ने आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। नीलामी में केकेआर टीम द्वारा सेलेक्ट होने के पहले इन पर 2 सालों का प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने उम्र को ज़्यादा बताकर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि रसिक ने आईपीएल के पहले ही मैच में 3 ओवर में 18 रन दिए, लेकिन इन्हें कोई भी विकेट नहीं मिली। और इन्होंने अपने गेंदबाजी कौशल से सभी को प्रभावित किया और इनसे टीम को काफ़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें भी हैं। दोस्तों, यदि बात करें रसिक सलाम के फेवरेट थिंग्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके फेवरेट बैट्समैन हैं सचिन तेंदुलकर, वहीं इनके फेवरेट बॉलर हैं इरफान पठान। यदि बात करें इनके फेवरेट सिंगर के बारे में, तो इनके फेवरेट सिंगर हैं आतिफ असलम। दोस्तों, अब बात करते हैं रसिक सलाम के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 30 लाख रुपये। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक हुंडई अमेज कार है। तो दोस्तों, यह थी युवा प्रतिभाशाली बॉलर रसिक सलाम के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।